कृष्ण कन्हैया, आपका जन्मोत्सव हम धूमधाम से मना पाए ऐसा आशीर्वाद देना। तैयारियों की शुरुआत हम दही अंडी की मटकी लेने से करते हैं। डन। तो बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का मंदिर, वाह। हाँ, ये भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है और ये हमारी गोकुलधाम सोसाइटी। वाह, इतनी सुंदर सोसाइटी, इतना सुंदर मंदिर। साधु का मन आनंदित हुआ। भगवान श्री कृष्ण आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। थैंक यू। थैंक यू। मंदिर के आंगन में आप सबको देखकर मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप सब भगवान श्री कृष्ण के गोपगण हैं। हम सब इसी सोसाइटी में रहते हैं। मुझे पता चला कि यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर है, इसलिए मैं दर्शन करने चला आया। आइए दर्शन कीजिए। आकाशात पतितं तोयम्, आकाशात पतितं तोयम्, सर्वगच्छति सागरम्, सर्वदेव नमस्कारम्, केशवम् प्रति गच्छति। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दर्शन महाराज जी, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए ना, आपसे आई बाबा मिलकर बहुत खुश होंगे। नहीं बेटी, अभी नहीं। आप यहाँ तक आए तो हमारे घर से कुछ भोजन करके जाइए ना। हाँ महाराज जी, मेरे घर पे तो गर्मा गर्म समोसे और कचोरियाँ बनी है, आपको बहुत पसंद आएगी। आइए आइए। बच्चों, आज हमारा उपवास है। हम आपके लिए फल लेकर आते हैं। हाँ बेटा, आज हमारा निर्जल उपवास है। आज हम अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करते। बाप रे। महाराज जी, आप एक दिन के लिए रुक जाइए ना, हमारे साथ यहीं पे जन्माष्टमी मनाइए। हमारे यहाँ कृष्ण जन्मोत्सव और दही अंडी एकदम भव्य तरीके से होती है। हाँ महाराज जी, हमारे यहाँ दही अंडी देखने तो लोग दूर दूर से आते हैं। हाँ महाराज जी, हम कृष्ण जन्मोत्सव और दही अंडी इतने भक्ति भाव से मनाते हैं कि हमारा गोकुलधाम गोकुल नगरी बन जाता है। करेक्ट। उत्तम, अति उत्तम, तुमने सत्य कहा बेटा। यहाँ मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मैं गोकुल नगरी में ही हूं। यह गोकुलधाम, भगवान श्री कृष्ण का सुंदर मंदिर और आप सब जैसे गोपगण, इस कृष्ण नगरी में संत का ऐसा आदर और आतिथ्य सत्कार, आहा, यह तो मेरे लिए अविस्मरणीय और अद्भुत अनुभव है। थैंक यू। यहाँ पर संस्कार और स्वीकार का समन्वय है। बच्चों, मैं आप लोगों से अति प्रसन्न हूँ। थैंक यू। मैं आप लोगों को कुछ देना चाहता हूँ। वाह। प्रसाद, प्रसाद। हाँ।
मटकी प्रसाद प्रसाद आ, मुझे लगता है मटकी में प्रसाद होगा। यह मटकी ही भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद है। मटकी प्रसाद? हाँ, यह सामान्य मटकी नहीं, यह इच्छा पूर्ति मटकी। इच्छा पूर्ति मटकी? महाराज जी हम कुछ समझे नहीं। बेटा, यह भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद स्वरूप इच्छा पूर्ति मटकी है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के पश्चात दही हंडी उत्सव के दिन जब आप लोग दही हंडी मनाना तो इस मटकी को अवश्य फोड़ना। उस दिन जो भी इस मटकी को फोड़ेगा मेरे भगवान श्री कृष्ण गिरधर गोपाल उसकी मन की इच्छा को पूर्ण करेंगे। मतलब जो भी इस मटकी को फोड़ेगा उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी? निसंदेह उसकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। क्योंकि यह सिद्ध की हुई इच्छा पूर्ति मटकी है। लो बेटा। एक मिनट महाराज। यार फ्रेंड्स, ये मटकी में ऐसा तो क्या है? ये तो हम हर साल जैसे मटकी लाते वैसी ही मटकी है। पर फ्रेंड्स, ये मटकी सुंदर बहुत है। पर इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। क्या ये सच में इच्छा पूर्ण कर सकती है? क्या पता, उन्हीं से पूछते हैं। महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी कहाँ गए? अभी तो यहाँ थे। उत्तरी गार्डन में देखते हैं। कमाल है, कहाँ है? गार्डन में तो नहीं है, शायद कंपाउंड में होंगे। चलो देखते हैं। फ्रेंड्स, साधु महाराज तो यहाँ भी नहीं है। चलो बाहर देखते हैं। बाहर चलो, चलो मैसेज भी चलते हैं। यहाँ भी नहीं है। फ्रेंड्स, अब्दुल भाई को पूछते हैं, शायद उन्होंने जाते हुए देखा हो। अब्दुल भाई, यहाँ से आपने किसी महाराज जी को जाते हुए देखा? मैं काम में बिजी था, मैंने किसी को भी आते जाते हुए नहीं देखा। एक मिनट टप्पू। हेलो फ्रेंड्स, अंदर देखते हैं। अंदर देखो। फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है जब हम मटकी देख रहे थे तभी साधु महाराज चले गए होंगे और हमें ये मटकी दे गए। लेकिन ऐसे कैसे ये मटकी विश पूरी कर सकती है? पता नहीं यार, रुक जा, चेक करता हूँ। हे इच्छा पूर्ति मटकी, हमें बहुत सारे लड्डू दे। आया? यार इसमें तो कुछ नहीं आया भाई। उत्तरे बोली, तू भूल गया, साधु महाराज ने कहा था कि दही हांडी में मटकी फोड़ने पर ही विश पूरी होगी, ऐसे कभी भी नहीं। ओ हाँ, राइट राइट राइट। ओ, ये तो ऐसे हो गया जैसे कहानियों में होता है। हाँ यार, पर फ्रेंड सोचने वाली बात ये है कि हम मटकी लेने जाने वाले थे और साधु महाराज ने आके हमें मटकी दे दी। हाँ,
और साधु महाराज को देख के ऐसा लग रहा था कि वो जो भी बोल रहे थे सच बोल रहे थे। हाँ। यार मतलब फ्रेंड्स, ये सच में इच्छा पूर्ति मटकी है। दे। एक काम करते हैं, हम दादाजी को ये सब बताते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। चलो 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 दादाजी। हाँ बच्चा। अरे अरे वाह, ये मटकी तो बहुत सुंदर है, कहाँ से खरीदी? दादाजी हमने मटकी खरीदी नहीं है, एक साधु महाराज हमें देके गए। साधु महाराज लेकर गए? कौन सा साधु महाराज? दादाजी क्या हुआ पता है, हम लोग मंदिर के पास दही हंडी की तैयारी का डिस्कशन कर रहे थे। हाँ। और तभी एक साधु महाराज वहाँ पर आए। हाँ, और उन्होंने हमें ये मटकी दी और उन्होंने कहा ये कोई साधारण मटकी नहीं है, ये इच्छा पूर्ति मटकी है। हाँ। हाँ। वाह दादाजी, क्या सच में ये मटकी इच्छा पूर्ति होगी? अरे टपुड़ा, जो भी हुआ है उससे तो मुझे लगता है कि हम पे भगवान श्री कृष्ण की कृपा हुई है। हे किशन कन्हैया, तेरी लीला अपरंपार है, तू सच में कृपा का सागर। गोकुल धाम पे फिर से आपने आशीर्वाद की बारिश की है। अरे बच्चों, ये जो इच्छा पूर्ति मटकी है ना, वो हमारे ऊपर भगवान की कृपा का प्रतीक है, इसलिए मुझे तो ये लगता है कि ये कोई साधारण मटकी नहीं है, ये सच में इच्छा पूर्ति मटकी है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो श्री गिरधारी लाल की जय। बोलो श्री गिरधर गोपाल की जय। तो मतलब दादाजी, जो भी ये मटकी फोड़ेगा उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। करेक्ट, गुड। तो फिर तो ये मटकी मैं ही फोड़ूंगा। अरे अरे तो देखो, ये मटकी सोसाइटी को मिली हुई भेंट है, इसलिए इस मटकी को कौन फोड़ेगा उसका निर्णय हम नहीं ले सकते। तो फिर दादाजी कौन निर्णय लेगा? देखो बच्चों, ये इच्छा पूर्ति मटकी दही हांडी में फोड़ने के लिए उस साधु महाराज ने हमारी सोसाइटी को दी है। हाँ। और दही हांडी का उत्सव भी हमारी सोसाइटी का है, तो ये इच्छा पूर्ति मटकी कौन फोड़ेगा उसका निर्णय हमारी सोसाइटी का सेक्रेटरी भीड़े ही ले सकता है, इसलिए तुम सब लोग भीड़े के पास जाओ और उसे ये सब बात बताओ, है? सही निर्णय वही लेगा। ठीक है दादाजी। ठीक है दादाजी, तो फिर हम भीड़े अंकल के पास जाते हैं। चलो फ्रेंड्स। चल 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 चल। अरे मटकी संभाल के लेके जाना। हाँ दादाजी, संभाल के लेके जाएंगे। हाँ ठीक है। ओहो हो हो हो, क्या बात है, अप्रतिम माधवी। अरे बिना कहे तारीफ कर रहे हैं आप। अरे मैं पोहे की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। मतलब तुम्हारी समझ की तारीफ कर रहा हूँ। मैंने भी सोचा ही था कि नाश्ते में मुझे पोहे खाने हैं और तुमने मेरे बिना बताए पोहे बना दिए। अहो मैं आपकी पत्नी हूँ, आपके मन की बात पढ़ लेती हूँ। वो तो है, सुबह सुबह पोहे बनाकर तुमने मेरा दिन बना दिया। जी कर माधवी, जी करता है तुम्हारे हाथों को चूम लूं। भिड़े अंकल। वाह 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 टपू सेना, क्या टाइमिंग है तुम लोगों की। हाँ बिल्कुल, तुमको तो अवार्ड देना चाहिए। अवार्ड? कौन सा अवार्ड भिड़े अंकल? किसमिस। किसमिस, ये कैसा अवार्ड है? कराओ जाता। अरे वाह, मटकी लेके आए तुम लोग? अच्छी तरह से चेक कर लीजिए ना, कहीं कोई छेद तो नहीं है ना। दिखाओ मुझे, दिखाओ। भिड़े अंकल संभाल के थोड़ा। अरे मारा नको शिकू। वाह वाह वाह, है तो अच्छी। कितने दाम दिए इसके? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब? ऐसे ही दे दी। हाँ बच्चों,
भगवान के लिए जो चीजें लाते हैं वो मुफ्त में नहीं लेनी चाहिए बड़ानो। हाँ पर माधवी आंटी हमने ये मुफ्त में नहीं ली है। हाँ काय बोलते है तुम्हें, तुमने दाम दे दिए मुफ्त में नहीं लाई, काय चल रहे का है? अरे भिड़े अंकल ये मटकी हमें भेंट में मिली है। भेंट किसने दी बाबा? भिड़े अंकल अभी हम जब मंदिर में थे तो वहाँ पर एक साधु महाराज आए थे, उन्होंने हमें इच्छा पूर्ति मटकी भेंट में दी। यस क्या? और उन्होंने हमें ये भी कहा कि जो भी इस मटकी को दही अंडी के दिन फोड़ेगा उसके मन की इच्छा पूरी होगी। सच में? हाँ भिड़े अंकल वो हुआ यूं कि ये सच में इच्छा पूर्ति मटकी है। समझ गया मैं, टप्पू भगवान की बात को लेकर मजाक नहीं आ? नहीं नहीं भिड़े अंकल मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा मतलब वो साधु महाराज आए तुम्हें इच्छा पूर्ति मटकी दी और चले गए? भिड़े अंकल आप सोनू से पूछ लीजिए। ओ बाबा ये इच्छा पूर्ति मटकी हमें साधु महाराज ने ही दी है। मतलब ये मटकी दही अंडी में जो फोड़ेगा उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी ऐसा? वाई ये तो चमत्कार हो गया। हाँ साधु महाराज ने ऐसा ही कहा है। वैसे भिड़े अंकल ऐसा सच में होता है? मतलब हो सकता है। नहीं नहीं होता है। अरे हमारे शास्त्रों में लिखा गया है ना कि हमारे ऋषि मुनियों के पास कामधेनु गाय हुआ करती थी जो सबकी इच्छा पूरी करती थी। और भगवान श्री कृष्ण तो कुछ भी कर सकते हैं ना, ये मटकी मतलब भगवान श्री कृष्ण का हमारे लिए आशीर्वाद है। हाँ बच्चों भगवान ने हम गोकुलधाम वासियों पे बहुत बड़ी कृपा की है। माधवी ये मटकी संभाल के रखनी पड़ेगी, ये बहुत अमूल्य है। हाँ एकदम अच्छे से संभाल के रखूंगी। भिड़े अंकल एक सवाल ये है कि इस इच्छा पूर्ति मटकी को फोड़ेगा कौन? अभी ये डिसीजन तो हम गोकुलधाम वासियों को मिलके ही लेना पड़ेगा ना। मैं एक काम करता हूँ, अब्दुल को बोलता हूँ कि सबको फोन करके बोल दे कि आज रात को क्लब हाउस में इमरजेंसी मीटिंग है और उसी मीटिंग में हम लोग तय करेंगे कि ये मटकी कौन फोड़ेगा। Perfect. भिड़े अंकल हमें दही अंडी की आगे की तैयारियां करनी है तो उसके लिए हम चलते हैं। Okay. Okay, वाह 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 वाह, हे कृष्ण भगवान आपने ये इच्छा पूर्ति मटकी हम गोकुलधाम वासियों को देकर धन्य धन्य कर दिया। तो माधवी आज रात को मीटिंग में तय होगा कि कौन भाग्यशाली होगा जो ये मटकी फोड़ेगा। वो भाग्यशाली हम ही बन जाए तो? हाँ प्रभु की इच्छा होगी तो बन भी सकते हैं। मीटिंग वगैरह करने की क्या जरूरत है? क्या मतलब? मतलब आप सोसाइटी के एक में सेक्रेटरी हो ना, तो आप बोल दीजिए सबको कि मैं मटकी फोड़ूंगा। चलो माधवी मैं सेक्रेटरी होने का गलत फायदा नहीं उठाऊंगा। आपने अभी तक कभी फायदा उठाया है सेक्रेटरी होने का? नहीं ना। इस बार आप सबको बोल दीजिए कि मैंने तय कर लिया है कि मैं इस बार मटकी फोड़ूंगा। प्लीज ऐसा कीजिए ना, हमारी कितनी इच्छाएं बाकी है वो सब पूरी हो जाएंगी ये मटकी फोड़ने के बाद, हम कितने सुखी हो जाएंगे। आपको नहीं होती है ये इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ने की इच्छा? इच्छा होती है माधवी, अरे साक्षात भगवान ने दी हुई मटकी फोड़ने का सौभाग्य कौन नहीं लेना चाहेगा। तो भाई दिक्कत क्या है, आप सबको बोल दो कि ये मौका मेरा है मैं ही मटकी फोड़ूंगा। नहीं माधवी, मौका मिलना और मौके का फायदा उठाना दोनों में फर्क है। ये मटकी सोसाइटी को भेंट मिली है तो आज रात को मीटिंग में तय होगा कि मटकी कौन फोड़े। जाओ अभी इसको संभाल के रख दो। हाँ ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। जैसी प्रभु की इच्छा। हो जैसी प्रभु की इच्छा। बोले बड़े भाई। हाँ अब्दुल जरा सोसाइटी में सबको इन्फॉर्म कर देना कि आज रात को क्लब हाउस में इच्छा पूर्ति मटकी के लिए इमरजेंसी मीटिंग रखी है तो सब टाइम पे आ जाए। इच्छा पूर्ति मटकी? बड़े भाई ये कैसी मटकी है? अरे हाँ तुम्हें तो पता ही नहीं है ना क्या हुआ, सोसाइटी में एक साधु महाराज आए थे, उन्होंने टप्पू सेना को एक इच्छा पूर्ति मटकी भेंट दी है और कहा है कि जो भी इस मटकी को फोड़ेगा उसकी इच्छा पूरी होगी। अरे वाह बड़े भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ तो उसी सिलसिले में आज रात को इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है जिसमें तय होगा कि मटकी कौन फोड़ेगा। तुम सबको फोन करके इन्फॉर्म कर देना। हाँ ठीक है। और हाँ खास जेठा को बोलना पहले कि भाई टाइम पे पहुंच जाए और तुम भी आना। हाँ हाँ बेटे भाई दुकान का थोड़ा काम है उसे खत्म करके मैं सबसे पहले जेठा भाई को फोन करूंगा। ओके ओके अब
हे भगवान, थैंक यू वेरी मच हम गोकुलधाम वासियों को इतनी बढ़िया भेंट देने के लिए। इच्छा पूर्ति मटकी, यानी कि ऐसी मटकी जिसे दही हंडी के दिन फोड़ने पर फोड़ने वाले की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। हमारा मन तो इच्छाओं का महासागर है, हर रोज एक नई इच्छा जन्म लेती है और इसी की वजह से जीवन का चक्र चलता है। हर दिन हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बहुत सारी जद्दोजहद करते हैं और यहाँ गोकुलधाम वासियों को तो इच्छा पूर्ति मटकी ही मिल गई। क्या लग रहा है आपको? जितना आसान लग रहा है ना, उतना आसान है नहीं। अब छिड़ेगा गोकुलधाम में इच्छाओं का महायुद्ध। किसकी इच्छा किस पर पड़ेगी भारी? इच्छा पूर्ति मटकी तोड़ने की आएगी किसकी बारी? दोस्तों, लेकिन हम आपकी इच्छाएं पूरी करते रहें, आपके घर पर हंसी और ठाकों का डोज पहुंचाते रहेंगे। दर्शकों, एक विशेष बात, दर्शकों आज जन्माष्टमी है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और हम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि आपके और हमारे बीच के जो डोर है ना हंसी वाली, उसे मजबूत बनाकर रखें। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मटकी मैं ही फोड़ूंगा पर मेरी शादी की इच्छा पूरी हो जाएगी। पोपटलाल, मटकी कौन फोड़ेगा ये सोसाइटी की मीटिंग में तय होगा। हे भगवान, ऐसा चमत्कार करना कि ये शुभ अवसर मुझे ही मिले। मुझे लगता है कि ये मटकी पोपटलाल को फोड़नी चाहिए। हो सकता है ये इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ने से उसकी शादी हो जाए। बापू जी, पोपटलाल भाई मटकी फोड़ेंगे तो उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। पोपट अंकल की शादी हो जाएगी तो गोकुलधाम में खुशियां ही खुशियां हो जाएगी।